हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.6 हम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं 8.6 थ्योरम। द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको इसमें बोल रखा है थ्योरम में कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको एक गिवन है ये पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगनल्स हैं ये आपको गिवन है कि ये डायगनल्स आपको गिवन है। आपको ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि डायगनल्स जो हैं दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और डायगनल ये ओ हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ गिवन है कि डायगनल्स हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है और ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। हम सबसे पहले गिवन लिख देती हूँ मैं। गिवन क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो हम देखते हैं। ए बी सी हमें दे रखा है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है जी, इसमें दे रखा है और क्या दे रखा है हमें कि जो डायगनल्स हैं, जो डायगनल्स हैं ए सी, ए सी वाला जो डायगनल है एंड बी डी वाला जो डायगनल है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। इतना क्लियर हो गया है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें ये चीज़ करनी है कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है, ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है, ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे प्रूफ। कैसे आप प्रूफ कर सकते हो, देखो ये वाली लाइन डायगनल और ये वाला डायगनल, कौन से दोनों ट्राइंगल्स इसमें हम ले सकते हैं, हम दे सकते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो मैं सी पी सी टी से लिख सकती हूँ कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। मैं ये वाले दोनों ट्राइंगल्स ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, उसके बाद मैं इसको आसानी से दिखा सकती हूँ कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है बाय सी पी सी डी से करके, है ना। बहुत ही आसान थ्योरम है। तो चलो हम इसको क्या क्या देखते हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है इसमें। सबसे पहली चीज़, ये दोनों लाइंस में सपोज करती हूँ कि ये जो है वो इसके पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये है आपका ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो दैट मीन्स जो ये वाला एंगल हो गया वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया इस वाले एंगल के। मैं नाम लिख देती हूँ, ये आपका फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकेंड एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना ये चीज़ तो आपको याद है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि एंगल वन इज़ इक्वल्स टू एंगल टू, मैंने नाम रख दिया है। और रीज़न आप क्या दे सकते हो कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो अब सेम वही चीज़ मैं दोबारा कर सकती हूँ कि ये वाली जो लाइन है, अब मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, इसको ट्रांसवर्सल लूँगी तो आपका ये वाला एंगल, इसको मैं थ्री मान लेती हूँ और ये वाला एंगल फोर, इसको मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी थ्री जो है फोर के इक्वल हो गया। सेम रीज़न, एंगल थ्री इज़ इक्वल्स टू एंगल फोर, सेम रीज़न आपका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब पूरा लिखना मैंने एज अ शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, अब हमें एक चीज़ और की ज़रूरत होगी, एक और चीज़ हमें चाहिए। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने वो चीज़ उसके अंदर प्रूफ करी है, तो मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल मैं दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी। और कौन सी वाली थ्योरम थी वो, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, थ्योरम आई थिंक 8.2 थी। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, अब हमें दो एंगल मिले हैं और एक साइड मिली है।
राइट, ये एंगल साइड एंगल मिला है हमें, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल मिला है तो ये दोनों जो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्राइंगल, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एंगल ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आप दिखा सकते हो इसमें कि ओ ए जो है, जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है और ओ बी जो है वो इक्वल है किसके? ओ डी के बाय सी पी सी टी से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गई है थ्योरम, सिर्फ इतना ही आपको करना था। आपको सिर्फ जो डायगनल है बाइसेक्ट हो रहा है, जो इक्वली डिवाइड हो रहा है, उसको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी सी थ्योरम थी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।